inspiration of Maharishi Dayanand and he deeply studied Satyartha, and Rigveda Diva. Yogi Randev has been focused in the propagation of Yoga and Ayurveda and reforming social, political and economic system in India. <laughs> and he also has found his focus in making people of India as well as the whole world to enjoy Yoga and Ayurveda in their lifestyle. And is the founder of a number of trusts and organisations and universities for the promotion of yoga. Jay Gurdjieff, we welcome Baba Ramdev. Please. Oh, Veda metam purusham mahantam, aditya varnam Tamasah purastha. तमेव मृत्युमेति हि नान्य पंथा विद्यते नया आज बहुत गौरवशाली दिन है जब हम ब्लेस वैदिक इंडिया रिस्टैब्लिश्ड वैदिक इंडिया का ये जो संकल्प है ये बात तो हम भारतीयों को करनी चाहिए थी लेकिन महर्षि महेश योगी के शिष्य बाहर से आकर के बात कर रहे हैं यह हमारे लिए गौरव भी है और एक सीख भी है कि जो काम हमको करना चाहिए था वो महर्षि महेश योगी के विदेशों में पैदा हुए वैदिक शिष्य कर रहे हैं महर्षि महेश योगी इस युग के वैदिक ऋषि हैं उस आधुनिक भारत के वैदिक ऋषि ने जो किया उसकी एक झलक हमने अभी देखी यहाँ डॉक्टर ब्रैंड्रेस ने एक बहुत बड़ी बात कही कि विश्व शांति युद्धों से नहीं योग और अध्यात्म से आएगी ये बहुत बड़ा दर्शन है युद्ध समाधान नहीं योग और अध्यात्म वेद यह समाधान है और अभी कैथी मौरिनी ने जो बात कही कि सुख बाहर से नहीं आएगा वो भीतर से आएगा और भीतर वो ब्रह्म है वो विराट है भीतर ही वो वेद है यो वही भूमा तत्सुखम जो हमारे ऋषि उद्घोष करते थे ये भी हमारे उन ऋषियों के ही संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं तो मैं ऐसा मानता हूं कि भगवान ने कुछ वैदिक ऋषियों को इधर उधर पैदा कर दिया वो सारे इकट्ठे होके आज यहां आ गए हैं तो आप एक सामान्य व्यक्तित्व नहीं हैं आप इस धरती पर भगवान के वरदान हैं धरती पर भगवान के वरदान हैं और उन्हीं ऋषियों की चेतना का दिव्य अवतरण है इसलिए इस कार्य में लगे हैं मुझे नहीं पता हमारी भारत सरकार कितना बजट इस वैदिक इंडिया के लिए खर्च कर रही है क्योंकि संस्कृत के लिए थोड़ा बहुत खर्च होता है मुझे लगता है वैदिक इंडिया को रिस्टैब्लिस्ड करने के लिए हिंदुस्तान में एक रुपए का भी बजट नहीं है और हमारे ये महर्षि महेश योगी के शिष्य गणाये हुए हैं हर वर्ष एक हजार करोड़ रुपए उसके ऊपर खर्च करते हैं यह हमारे लिए बहुत गौरव की भी बात और प्रेरणा की भी बात है मोदी जी को इसके ऊपर कम से कम दस हजार करोड़ का बजट खर्च करना चाहिए हर साल मैं भी उनसे मिलूंगा तो कहूंगा मदरसों के लिए तो बजट मिल जाता है अच्छी बात है मैं हम कोई किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे ठीक है, है भाई उन, वो उनकी भी एक परंपरा है हम किसी का अनादर नहीं करते हैं और हमारा मकसद भी नहीं है किसी को नीचा दिखाना सबका साथ सबका विकास तो उसमें वेद का भी तो विकास आता है यो होना चाहिए एक हजार करोड़ रुपए एनिवल इनका बजट है और हॉलैंड में महर्षि महेश योगी ने जो तीस हजार एकड़ पर कैंपस बनाया मुझे लगता है कम से कम दस हजार करोड़ रुपए उसके ऊपर खर्च किया होगा ऐसा क्या हिंदुस्तान में नहीं हो सकता होना चाहिए यहां कोई राम का नाम ले तो उसको सांप्रदायिक कह दिया जाता है मुझे गौरव है महर्षि महेश योगी पर जिन्होंने विश्व में आधुनिक युग में भगवान राम के नाम से करेंसी को भी लॉन्च किया और उस राम नाम की करेंसी का एक राम पंद्रह डॉलर माने डॉलर से भी बड़ी कीमत राम रामडोर की है होना ही चाहिए दिस इज नॉट एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट दिस इज आवर स्पिरिचुअल ड्यूटी एंड दिस इज अवर स्पिरिचुअल प्राइड ये होना ही चाहिए और एक शर्म भी आती है कि यूरोप ने अमेरिका ने कनाडा ने उसको मान्यता दी हुई है लेकिन इंडियन और इसराइल ने भी उसको मान्यता दी हुई रामा करेंसी को लेकिन इंडियन गवर्नमेंट उसको मान्यता नहीं देती है। शर्म की बात है ये क्या है सब इन लोगों को देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग ऋषियों का काम कर रहे हो आप लोग महर्षि महेश योगी के संकल्प को पूरा करने का काम कर रहे हो इसलिए हम आपके बीच में आए एक ऋषि के संकल्प को पूरा कर रहे हो यू आर डूइंग ए डिवाइन जॉब निष्कर्ष के रूप में कुछ बातें कहनी है क्योंकि थोड़ी वक्त में निष्कर्ष के रूप में ही बातों को कहा जाता है लोगों ने योग अध्यात्म और वेद के नाम पर बैरियर्स बना दिए थे अभी भी बने हुए उन बैरियर्स को तोड़ने का काम भी महर्षि महेश योगी ने किया इसलिए भी उनको हम प्रणाम करते हैं उन्होंने महेश योगी मेडिटेशन नहीं प्रचलित किया उन्होंने योग सूत्रों में पुरुषार्थ शून्य नाम गुणान प्रति प्रसवाह कैवल्यम स्वरूप शक्ति रीति योग दर्शन का अंतिम सूत्र है ये। और हिंदी में इसका तात्पर्य होता भावाती ध्यान समाधि जिसको आप अंग्रेजी में ट्रांसेंडेंट मेडिटेशन कह रहे हैं अब इससे किसी को नाराजगी हो तो हो साधु संन्यासियों को सच कहने का साहस भी करना चाहिए और राजनीतिक सत्य के साथ साथ आध्यात्मिक सत्य भी कहना चाहिए यहां कोई श्री श्री योगा लेके बैठा है यहां कोई एंगर योगा ले की दुकान लेकर के बैठा है कोई विक्रम योगा की दुकान लेके बैठा है कोई पावर योगा की दुकान लेके बैठा है महर्षि महेश योगी से सीखना चाहिए हमको योग को योग के तौर पर ही प्रस्तुत करना चाहिए दुकानदारी नहीं <laughs> वैदिक योग वैदिक मेडिटेशन दिस इज रियल योग दिस इज आर्ष योग मैं भी बना सकता था रामदेव योग पीठ नहीं पतंजलि योग पीठ ऋषि हमारे आदर्श हैं वो आगे रहने चाहिए पूरी दुनिया की तीन बड़ी समस्याएं हैं। इन ऑल ओवर वर्ल्ड देर थ्री मेजर प्रॉब्लम्स क्राइसिस एंड चैलेंजेस पहला मजहबोन्माद सबसे बड़ा पागलपन दुनिया में मजहबों का पंथों का उन्माद इसके लिए पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा भय का खोप का वातावरण बना हुआ है हमने पिछले दिनों फ्रांस में देखा और भी कुछ जगह चल रहा है अभी इस्लामिक स्टेट का चल रहा है आई एस ये क्या है ये ये मजहब उन्माद है मजहब का उन्माद दु, दुनिया में सबसे बड़ा पागलपन यही है पैसे का पागलपन होता है काम का पागलपन होता है क्रोध का पागलपन होता है सबसे बड़ा पागलपन होता है मजहब का मजहब ये सबसे बड़ा चैलेंज है Second, इसके साथ ही जुड़ा हुआ है जब वो मजहब का उन्माद चरम पर पहुंच जाता है तो युद्धोन्माद का रूप धारण कर लेता है पूरी दुनिया में हजारों युद्ध इसी के नाम पर हुए युद्धोन्माद आतंकवाद भी इसी की एक शाखा है एक ब्रांच है मजहबोन्माद युद्धोन्माद और तीसरा कि सारा मुझे ही भोगना है सारी प्रॉस्पेरिटी मेरे पास होनी चाहिए उनको हमारे महाराजाधिराज श्री राम डॉक्टर हमारे यहां बैठे हुए इनसे सीखना चाहिए इन्होंने अपना सब कुछ महर्षि महेश योगी को समर्पित कर दिया कि भोग भोग के तृप्ति नहीं मिलेगी मुझे तो भगवान की सेवा में अध्यात्म की सेवा में सत्य के लिए समष्टि के उपकार के लिए सारा ब्रह्मांड हमारे लिए काम कर रहा है तो हमारा अस्तित्व क्या इस ब्रह्मांड के लिए नहीं होना चाहिए इस दिव्य भाव से अपना सब कुछ अर्पित किया भोग से तृप्ति नहीं मिलेगी भोगान भुगता वे भुगता न तर्पण यो मनुष्य भोग से तृप्ति नहीं मिल सकती हम लोगों के पास भी बहुत कुछ है देश और दुनिया के करोड़ों लोगों ने हम पर भरोसा किया हमको भी सैकड़ों करोड़ रुपए लोगों ने दान दिया मुझे भी हिंदुस्तान में इस बात के लिए बहुत बदनाम किया गया कि मैं एक धनवान साधु लेकिन भाई मेरे पास क्या है लेकिन मुझे जो दिया मैंने उसको सेवा में लगाया आज भी जमीन पर सोता हूं और बिना सिले कपड़े पहनता हूं और हो लकड़ी के सूज पहनता हूं क्यों yeah. व्यक्तिगत जीवन में त्याग सार्वजनिक जीवन में समृद्धि यह हमारे ऋषियों का सिद्धांत भद्रम इच्छन तरिष्या हा सर्विदा हा तपो दीक्षाम उपनिषेय दुरग्रे ततो राष्ट्रम बलम ओजस्य जातम तदस्मे देवा उपसम नमन्तु ये हमारी संस्कृति ये हमारे सिद्धांत ये है हमारी विचारधारा दिस इज अवर आइडियोलॉजी दिस इज अवर प्रिंसिपल लेकिन इन तीन समस्याओं का समाधान क्या है मजहबोन्माद युद्धोन्माद भोगोन्माद इसका समाधान है वैदिक अध्यात्मवाद और उसको महर्षि महेश योगी ने आगे बढ़ाया इसलिए उस महापुरुष को प्रणाम है यह भी दुर्भाग्य ही है कि उनको भारत में रहने के लिए भी बड़ा तरसना पड़ा अब मुझे लगता है ऐसे बुरे दिन किसी को नहीं देखने पड़ेंगे क्योंकि हम इस धरती पर जिंदा हैं ऐसा कैसे हो सकता है कोई आदमी वेद की बात करें और बोले तुम यहां नहीं रह सकते ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं होने देंगे उस समय हमारी साधना चल रही थी अभी उस साधना को सब संतों का आशीर्वाद मिला है और वो साधना आगे बढ़ी है अब एक नया भारत एक वैदिक भारत बनाने के लिए हम पूरी ऊर्जा लगाएंगे और और वैदिक भारतीनी वैदिक विश्व भी बनाएंगे <laughs> <laughs> वैदिक इंडिया एंड वैदिक वर्ल्ड दिस इज अवर मिशन थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू अब कुछ बातें कहना चाहता हूं हमारे श्रद्धे जगत गुरु शंकराचार्य जी हैं उनको प्रणाम है और हमारे सब वो महापुरुष जो वेदों के ऊपर बहुत महनीय कार्य कर रहे हैं ये ऋषि कार्य है यही वास्तव में राष्ट्र कार्य है यही भागवत कार्य है यही दिव्य कार्य है इस ऋषि कार्य के लिए इस ईश्वरीय कार्य के लिए भागवत कार्य के लिए इस राष्ट्र कार्य के लिए जो बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं ऐसे हमारे अग्रज हमारे बड़े भाई पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी वेद के ऊपर आधुनिक भारत में बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं और वेद और वैदिक परंपरा आर्ष परंपरा एक है अनार्श परंपरा है देखो भाई आर्य नारियों का झगड़ा नहीं है आर्श अनार्श का झगड़ा जरूर है आर्य नारियों का झगड़ा तो ब्रिटिश लोगों ने बनाया था हिंदुस्तान को लड़ाने के लिए लेकिन आर्ष अनार्श का यह संघर्ष तो रहना चाहिए क्योंकि ये सत्य और झूठ के बीच की लड़ाई है यह धर्म युद्ध है इसमें आधुनिक भारत में एक और महापुरुष है स्वामी दयानंद जी उन्होंने आर्ष परंपरा को स्थापित करने के लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया उनके सुयोग्य शिष्य हमारे परमात्मा जी इनको भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम आधुनिकता और भारतीयता दोनों का अभ्यास जिन्होंने किया ऐसे हमारे पूज्य स्वामी निर्मला जी उनको भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम वंदन ये ये वो हैं जो इस काम को आगे लेकर के जाएंगे बहुत से लोग तो अब वेद तक पहुँचते ही नहीं बस कुछ कथा कहानियों तक ही सीमित रह जाते हैं पुराणों का अध्ययन करें क्योंकि पुराणों में भी आर्ष सत्य है अब इसमें भी एक लड़ाई चली थी हमने उस लड़ाई को विराम दे दिया है <laughs> वो दूसरी तरह की लड़ाई थी तो हमने एक नया सूत्र अपनाया इसमें एक आर्ष ग्रंथ एक अनार्श ग्रंथ इसकी भी एक बहुत बड़े संघर्ष की श्रृंखला थी मैंने कहा भाई जहां जहां सत्य उसको ले लो ना आप जिनको अनार्श ग्रंथ कहते हैं, उनमें भी जो आर्श सत्य उनको ले लो वेदों तक तो लोग पहुंच ही नहीं रहे थे पुराणों की कथाएं हो गीता की बात हो देखो मैं बहुत आदर के साथ एक बात कहना चाहता हूं मैं विश्व धरोहर के रूप में जो हमारी श्रुति परंपरा है उसी को आगे रखना चाहता हूं कि वेदो अखिलो धर्म मूलम पूरे विश्व की संस्कृतियों का कोई मूल है तो वेद ही है यही सत्य है दर्शन उपनिषद रामायण महाभारत और महाभारत का एक अंग गीता उसके बाद है। यह हमें मानना चाहिए सत्य को स्वीकार करना चाहिए मैं गीता का बहुत आदर करता हूं मैं हमारे सारे पौराणिक साहित्य का भी आदर करता हूं लेकिन जो हमारी परंपरा है वेद सबसे ऊपर होना चाहिए और मुझे ये बहुत आनंद हो रहा है कि इस वेद को सर्वोच्च स्थान पर स्थापित करने का कार्य महर्षि महेश योगी ने किया उनके शिष्य यहां पर आए और उन्होंने एक वैदिक इंडिया को पुनः प्रतिष्ठापित करने की बात की है मैं पूरे भारत की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं आप लोगों ने यहां दो तीन करोड़ रुपए खर्च भी किए हो सकता है थोड़े ज्यादा भी खर्च हो जाए अगली बार आपका बहुत कम खर्चा होगा अगली बार हम ये जो कॉन्फ्रेंस है ये पतंजलि योग पीठ में करेंगे आपका पैसा भी बचेगा आपको निमंत्रण अब वैदिक इंडिया की बात होटल में नहीं होनी चाहिए वैदिक इंडिया की बात तीर्थों में होनी चाहिए अब ठीक है स्टार्टिंग के लिए अच्छा है ब्रह्मदेव जी महाराज शुरुआत अच्छी है अब थोड़ा देखो मैं तो देसी आदमी हूं भैया थोड़ी ठेठ बोलता हूं गांव में पैदा हुआ हूं ना थोड़ा किसान का लड़का हूं इसलिए ब्राह्मण के घर में पैदा नहीं हुआ लेकिन ब्राह्मण कार्य जरूर कर रहा हूं क्योंकि हम मैं जिस गांव में पैदा हुआ पंडित जी तो एक ही थे और उनको भी वेद नहीं आते थे मुझे वेद आते हैं वो जो पंडित जी थे उनको एक दो मंत्र आता था मैंने चारों वेदों के मंत्र पढ़े और मैं सस्वर पाठ जानता हूं और मैं ऐसा मानता हूं जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए उनको भगवान खूब आशीष दें सामर्थ्य दें लेकिन मैं तो ऐसा मानता हूं ऐसा हम युग देखना चाहते हैं सब वेद पढ़े और सब ब्राह्मण कोटि के बन जाएं जो वेद पढ़े वो ब्राह्मण जो योग करे वो योगी ये जो बैठे हैं ना ये सारे के सारे हमारे ये वैदिक ब्राह्मण हैं <laughs> यार वैदिक ब्राह्मण यू नो you know, ब्राह्मण तो आप लोग अब क्योंकि बाहर तो इधर वाले ब्राह्मणों का तो जीन गया नहीं तो तुम लोग अब ये नया जीन पैदा कर दो है <laughs> वैदिक ब्राह्मण <laughs> कहीं से तो पैदा करना ही पड़ेगा ना <laughs> तो आज आप लोगों को हमने संज्ञा दी है वैदिक ब्राह्मण की इसको आगे बढ़ाइए आप लोग क्योंकि हमसे आगे नहीं बढ़ सकता हमने ब्रेक कर दिया है इसको हम सन्यासी है ना हाँ ये भी बड़ा आजकल हिंदुस्तान में चल रहा है कौन कितनी संतान पैदा करे मन का हमसे कोई खतरा नहीं है अब अगली बात वेद सेवा ये भागवत सेवा है वेद सेवा भागवत सेवा है ईश्वरीय कार्य है ब्रह्म कर्म है द अल्टीमेट कर्म ब्रह्म कर्म सबसे ऊंचा कर्म है सबसे श्रेष्ठ दिव्य कर्म है ब्रह्म कर्म है। और इस वेद कर्म के लिए इस भागवत कर्म के लिए इस ईश्वरीय कर्म के लिए इस ईश्वरीय सेवा के लिए इस ईश्वरीय पुरुषार्थ के लिए हमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है पूरी दुनिया में दो चीजें पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इसको वैदिक शब्दों में बोलें तो यह तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि साधर्म अभ्युदय और निश्रेयस निश्रेयस इंटरनल प्रॉस्पेरिटी अभ्युदय, भौतिक समृद्धि बाहर की प्रॉस्पेरिटी आजकल जो समृद्धि चल रही है इस समय जो ग्रोथ डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी की बात चल रही है विकास ये विनाश की बात चल रही है कैसे इसमें ये अहिंसा मूलक विकास नहीं है अहिंसा मूलक समृद्धि नहीं है यदि आप में से कुछ लोग यूरोप से हो तो दुखी मत होना यूरोप ने हिंसक समृद्धि का आधार रखा इस युग में आधुनिक युग की बात कर रहा हूं पिछले 500 सालों में क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में आई उसने अपना साम्राज्य बढ़ाया यहां से लूट की उस लूट में फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट को हिस्सा बनाया उसमें बाद में चर्च को भी सम्मिलित किया और एक हिंसक समृद्धि की नींव डाली लूट करके हिंसा करके क्रूरता करके इसको हमारे यहां पर सही नहीं माना गया है हिंसक समृद्धि नहीं होनी चाहिए अहिंसक समृद्धि होनी चाहिए किसी की हिंसा नहीं होनी चाहिए किसी का हक नहीं छीनना चाहिए वो पाप का धन उससे जो समृद्धि अर्जित की जाती है वो विनाशकारी होती है अहिंसक समृद्धि चाहिए और इसके लिए दो शब्द मैंने कहे पीस एंड प्रॉस्पेरिटी उसी को हमारे यहां पर कहा धर्म पूर्वक अर्थ और उससे अपने सात्विक कामनाओं को पूरा करना काम एंड मोक्ष पुरुषार्थ संतुष्ट है धर्म अर्थ काम मोक्ष सुखस्य मूलम धर्म धर्म अर्थ, से मूलम अर्थ अर्थस्य मूलम राज्यम राज्य से मूलम इंद्रिय अजय इंद्रिय जयस्य मूलम विनया विनयस्य से मूलम सेवा यह है हमारे प्रिंसिपल्स इस आधार पर और से अपेक्षा नहीं हम मोदी जी से तो अपेक्षा करेंगे ही इस कॉन्सेप्ट को जरूर आगे बढ़ाए देखो भाई हम तो वैदिक इंडिया वाले हैं और हम अपनी बात कहेंगे बिना किसी विवाद के कहेंगे और यह भी कहेंगे कि धरती दो हजार साल पुरानी नहीं है मैं इस्लाम का आदर करता हूं इसलिए कि किसी भी कालखंड में कोई भी परंपरा यदि उस समय के युग धर्म के अनुरूप खड़ी हुई और कुछ भी लोगों के जीवन में उसने परिवर्तन लाया उसको प्रणाम है अभिनंदन है हम हम तो समष्टि के प्रति बहुत दिव्य भाव रखते हैं यूनिवर्स इज द विजिबल फॉर्म ऑफ गॉड सो हमारी राष्ट्रीयता में भी विश्व बंधुत्व का भाव है भारत के उत्कर्ष में संघर्ष का विराम है और विश्व शांति का पैगाम है इसलिए हमारी राष्ट्रीयता में आध्यात्मिकता है और विश्व बंधुत्व का भाव है यत्र विश्व नीडम वैव कुम चौदह सौ साल पहले इस्लाम तो नहीं था 2000 साल पहले ईसाइयत नहीं थी अपने आप को वो भी भगवान का बेटा कहते थे हम सब तो ईश्वर की संताने हैं तो दिक्कत क्या है मैं ईसा मसीह का भी बहुत सम्मान करता हूं लेकिन 2000 साल पहले क्या था और भी विश्व की संस्कृतियों का हम सम्मान करते हैं लेकिन तीन चार पांच हजार साल पहले क्या था एक अरब छियानवे करोड़ आठ लाख त्रेपन हजार एक सौ पंद्रह वर्ष से ये वैदिक संस्कृति का अविरल प्रवाह चला आया है ट्रांसलेशन करने वालों को थोड़ी दिक्कत होगी इतनी बड़ी संख्या बोलने में तो वो लगभग दो करोड़ बोल सकते हैं दो सौ करोड़ वर्ष बोल सकते हैं। दो सौ करोड़ वर्षों से सा प्रथमा संस्कृति विश्व मैंने चौदह पंद्रह साल की उम्र में घर इसीलिए छोड़ा था कि मुझे वैदिक भारत की स्थापना करनी उस समय मैंने पढ़ा था दयानंद को इंद्रम वर्धन तो अप्रो विश्वमार्यम घनो अरावण इसलिए मैंने बोला था वैदिक इंडिया एंड वैदिक वर्ल्ड यही है पीस एंड प्रॉस्पेरिटी का मंत्र मार्ग पथ यही है नान्य पंथा विद्यतन वेदाहतम पुरुषम महंतम आदित्य वर्णम तमसा परस्ता तमेव विदित्वात् मृत्यु में नान्य पंथा विद्यत जीवन के पूर्ण सत्य को पाना है तो यही एकमात्र मार्ग है अब बात यह आती है कि हम इसको इस साइंटिफिक वर्ल्ड में कैसे इसको प्रजेंट करें तो महर्षि महेश योगी जी जो काम किया उसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं महर्षि दयानंद ने जो काम किया स्वामी विवेकानंद जी ने जो काम किया उसको हम आगे इस रूप में बढ़ाना चाहते हैं एक मेरे दिल का एक संकल्प है एक सपना है कि हम पूरी दुनिया से टॉप साइंटिस्टों को लेंगे क्वांटम फिजिक्स क्यों हो मैथमेटिक्स क्यों स्पेस साइंस क्यों डिफरेंट साइंस साइंटिस्टों को लेंगे और उनको वेद पढ़ाएंगे अभी हो क्या रहा है ये जो तो हमारे ब्राह्मण वर्ग हैं ये केवल वेद पढ़े ये क्वांटम फिजिक्स नहीं पढ़े ये साइंस नहीं पढ़े स्पेस साइंस नहीं पढ़े ये केमिस्ट्री नहीं पढ़े ये माइक्रोबायोलॉजी नहीं पढ़े तो एक बैरियर आ गया इनके लिए कि इनको वैदिक साइंस का पता है, लेकिन इनको मॉडर्न साइंस का नहीं पता अब किसी को मॉडर्न साइंस का पता है तो उसको वैदिक साइंस का नहीं पता हम एक ये संगम करना चाहते हैं। मॉडर्न साइंस पढ़े हुए को हम वैदिक साइंस पढ़ाएंगे और फिर उस समय जो होगा वो इस दुनिया के लिए एक नया रास्ता दिखाएगा जिसकी पूज्य स्वामी निर्मलानंद जी ने बात की यह ये, ये है ये फ्यूचर प्लानिंग यह मैं अपना बता रहा हूं इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी मोदी जी क्या करेंगे मोदी जी भी कहते हमें आधुनिकता चाहिए भारतीयता के साथ अब मैं थोड़ा इसको और परिष्कृत कर देता हूं हमें आधुनिकता चाहिए आध्यात्मिकता के साथ आध्यात्मिकता के साथ आधुनिकता